जय हिंद दोस्तों, फोर्स सिविल सर्विसेज के नॉलेज बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू अप्रूवल ऑफ टाइगर रिजर्व, यानी एमपी में जो है अप्रूवल फॉर न्यू टाइगर रिजर्व के लिए मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, उसको डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। कब? अक्टूबर 2022 में, यानी ये आपका मध्य प्रदेश का बनने वाला अगला आपका आठवां, यानी अगर हम बात करें तो आठवां टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका। इससे पहले 7 टाइगर रिजर्व और हैं आपके, जिनमें से 6 नेशनल पार्क हैं और एक आपका क्या है, सेंचुरी है। तो जैसे 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आपको याद हो, KBP2S2, के से मतलब कान्हा किसली, बी का मतलब है आपका बांधवगढ़, पी का मतलब है पन्ना, मतलब पी का मतलब पन्ना, और फिर पी का मतलब पेंच, फिर एक है संजय गांधी और एक है ना, एक है सतपुड़ा। यानी आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो रानी दुर्गावती को कब दिया है, 2022 में अनुमति दी है, ये कौन सा हो जाएगा, आठवां टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका। इससे पहले अगर हम बात करें तो कितने हैं, KB P2 S2 और R, ठीक है। आर मतलब है ये रातापानी, ये रातापानी कहां पर है आपका, रायसेन में है, रातापानी रायसेन में। ये आपका क्या है, सेंचुरी यानी अभ्यारण है। ये जो 6 हैं आपके, ये नेशनल पार्क हैं। के का मतलब है यहां पर कान्हा किसली और बी का मतलब है बांधवगढ़ उमरिया, ठीक है, और पी का मतलब है पन्ना, और फिर पी का मतलब है पेंच, फिर एस का मतलब है सतपुड़ा, फिर एस का मतलब है संजय डूबरी या संजय गांधी, ठीक। टोटल 7 अभी वर्तमान समय में टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। ये 8वां टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 को क्या किया है, डिक्लेयर किया है या नए बनाने की मंजूरी दे दी है। ये कब दे दी गई है बेटा आपका, 2022 में दे दी गई है, अक्टूबर 2022 में। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा किया क्यों गया, इसके पीछे का जो रीजन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि आपको याद हो कैन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी, कैन बेतवा जो लिंक परियोजना है आपकी, नदी जोड़ो जो परियोजना है, इसके तहत जो आपका चल रहा है ना, नदी जोड़ो परियोजना में कैन बेतवा को जोड़ने का काम चल रहा है, तो जिसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा, या हम बोल सकते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा किसके अंतर्गत आ गया है, डूब के अंतर्गत आ गया है। यानी वो 1/4 हिस्सा जलमग्न हो गया है और इस जलमग्न होने के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं उनको कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक ऐसा ग्रीन कॉरिडोर या गलियारा बना दिया जाएगा जिसके तहत टाइगर जो है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व से रानी दुर्गावती अभ्यारण्य तक क्या कर सकेंगे, मूवमेंट कर सकेंगे, या दुर्गावती टाइगर रिजर्व तक मूवमेंट कर सकेंगे। इसके लिए क्या परमिशन दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व को परमिशन दे दी गई है। किसकी परमिशन दी है, टाइगर रिजर्व को परमिशन दी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, ये जो टाइगर रिजर्व है रानी दुर्गावती, मुख्यतः 3 जिले जिनमें हम बात करते हैं, नरसिंहपुर, ठीक है, दमोह और सागर, इन इनमें ये फैला रहेगा। इसका जो एरिया है 2339 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा आपका, वर्ग किलोमीटर। मेन रीजन क्यों पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई पन्ना टाइगर रिजर्व का जो 1/4 हिस्सा है, यानी 1/4, यानी 1/4 जो हिस्सा है आपका, वो कहां पर आ गया है आपका, यानी डूब क्षेत्र में आ गया है। किसके जलमग्न क्षेत्र में आ गया है, कैन बेतवा लिंक के में। इसी कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों को कहां पर, एक ग्रीन कॉरिडोर या गलियारा बनाकर, कहां से आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व से रानी दुर्गावती अभ्यारण टाइगर रिजर्व तक जाने की क्या है, मूवमेंट की सुविधा रहेगी। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसको क्या नाम दिया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। रानी दुर्गावती अभ्यारण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2239 क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें भी एक कोर एरिया बनेगा, क्या बनेगा, एक कोर जोन बनेगा, जिसमें अगर हम बोल सकते हैं 1414 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, किसमें, पन्ना टाइगर रिजर्व से जो बाघ जाएंगे रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में, तो उसका जो क्षेत्रफल है 2239, उस 2239 का भी 1414 मतलब 1414 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या होगा, आपका कोर जोन होगा। और इस कोर जोन के अंतर्गत एक बफर जोन होगा, वो बफर जोन कितना होगा आपका, 925 वर्ग किलोमीटर होगा।
तो ये रानी दुर्गावती जो अभ्यारण है, इसके अंदर आपके दो चीजें और आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहला इसका एरिया 2239, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो कोर एरिया कितना है, तो 1414 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर इसका बफर जोन पूछा जा सकता है वो कितना है, 925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा। अब इसके लिए क्या बनाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये ग्रीन कॉरिडोर क्या करेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य इन दोनों को जोड़ेगा। जहां से टाइगर कहां मूव कर पाएंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व से आपका रानी दुर्गावती टाइगर की तरफ मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने कहा 2008 में मंजूरी दी है। तो ये मैंने आपको बताया कोर एरिया 1414 है और आपका बफर जोन कितना है, 925 स्क्वायर किलोमीटर है। बाघों को यानी टाइगर विल बी शिफ्टेड टू द न्यू रिजर्व बाय है ना इनकरेजिंग देयर नेचुरल मूवमेंट। तो इसके भाई ये क्या है, आपका एक ग्रीन कॉरिडोर है जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी लोकेशंस की, ये कहां पर होगा आप देख सकते हो, यहां पर देखो, ठीक है। तो ये आपका है दमोह, यहाँ आपको मिलेगा नरसिंहपुर, और ये आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपका, यहाँ से आप देखोगे ये आपकी है बेतवा और ये क्या है आपकी केन। तो केन बेतवा दोनों का क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या है, ये डूब क्षेत्र में आ गया है। तो ये क्या है, एक यहाँ से कैनल बनाई गई है जो जोड़ेगी। तो इन क्षेत्रों में आपका जो है वो क्या रहेगा, अभ्यारण रहेगा। ठीक है, यानी ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, और यहां से कौन लगा हुआ है, दमोह लगा हुआ है। तो दमोह सागर नरसिंहपुर यहां तक ये क्या कर सकेंगे, घूम सकेंगे, या एक कॉरिडोर बना रहेगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।